रिया के वकील बोले, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। रिया चक्रवर्ती को रिहा हुए 4 दिन हो गए हैं और अब उनके वकील का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के वकील एडवोकेट सतीश माने शिंदे ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा, मैंने कहा था कि एक बार जब रिया चक्रवर्ती जमानत पर बाहर हो जाती है तो हम उन लोगों के पीछे जाना शुरू कर देंगे जिन्होंने उन्हें बदनाम किया और उनके मनोबल को गिराने की कोशिश की, वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फेक न्यूज चलाकर 2 मिनट की ग्लोरी के लिए। हम केंद्रीय जांच ब्यूरो को उन लोगों की एक सूची को आगे बढ़ाएंगे जिन्होंने टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फर्जी और झूठे दावे किए जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मामले पर मोबाइल रिकॉर्डिंग और फर्जी खबरों को शामिल किया गया। विशेष रूप से रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में हम CBI से जांच को गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करेंगे। रिया के वकील का संदर्भ विशेष रूप से रिया की पड़ोसी डिंपल थवानी के लिए था जिन्होंने ये बयान दिया था कि किसी ने उन्हें बताया कि सुशांत सिंह 13 जून को रिया को घर पर छोड़ दिया था। मनशिंदे ने कहा कि CBI ने उनका बयान रविवार को दर्ज किया था। रिया चक्रवर्ती को पिछले महीने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि वे सुशांत को नशीली दवाओं का सेवन कराती थी। 7 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपए इधर उधर किए हैं। रिया पर यह भी आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने सुशांत को दूसरों से अलग किया था और सुशांत के क्रेडिट कार्ड भी उनके ही पास थे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।